दोस्तों आज मैं आपको ऐसी 5 लोन ऐप्स के नाम बताऊंगा जो आपको सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पे आपको लोन प्रोवाइड कर देंगी। आपको किसी भी प्रकार का इनकम प्रूफ देने की कोई भी आवश्यकता कोई भी जरूरत नहीं है, कोई सैलरी स्लिप या कोई भी बैंक का स्टेटमेंट नहीं देना है। ये जो 5 है आपको मैं बताने वाला हूं ना, इनमें आपको आधार देना है, पैन कार्ड देना ही देना है, लेकिन आपका अगर सिविल लो है ना तो भी आपको लोन मिल जाएगा और आपको अच्छी कॉस्ट पे लोन मिलेगा, मतलब सस्ता लोन आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि जो ऐप मैं आपको बताऊं वो नाम आपने पहले सुने हो, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको हटके बताने वाला हूँ। वो हटके क्या है तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा, तो वीडियो में बने रहिए। देखो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर क्लिक करेंगे @vinayl0 और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का मैंने डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया, उसमें भी डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं बिना समय गवाए आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूं और बताता हूं कि कैसे आपको यहां पे लोन के लिए अप्लाई करना, वो लोन ऐप कौन सी है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले लोन ऐप IBL फाइनेंस। ठीक है, खुद ही NBFC है, खुद ही ऐप है। यहां पे दोस्तों देखिए मैं आपको बताऊं 3.6 की रेटिंग और यहां पे 1 मिलियन पर डाउनलोड से बहुत ही स्मूथ ऐप है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं। अबाउट उस ऐप पे जाएंगे, यहां पे देखिए साफ साफ दिया हुआ, देखिए जो मेन चीज है IBL फाइनेंस खुद ही NBFC, तो यहाँ पे इसका नाम दिया हुआ है NBFC क्या है, IBL फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, मिनिमम 2000 मैक्सिमम 50,000 तक का आप लोन ले सकते हैं। मिनिमम एनुअल परसेंटेज रेट की अगर बात कर ले तो यहाँ पे जो है 15% है और मैक्सिमम जो एनुअल परसेंट रेट रहेगा वो 36% है। टर्नर टाइम की बात कर ले मिनिमम 3 महीने है, मैक्सिमम 12 महीने है। प्रोसेसिंग फीस की बात कर ले 0 से 1500 रुपए के बीच में रहेगा और थोड़ा सा और नीचे आएंगे यहाँ पे अगर आप 40,000 का लोन लेते हैं, ठीक है, तो आपको 750 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लगेगी, 12 महीने के लिए आपको लोन दे दिया जाएगा, 45,678 रुपए आपको टोटल रिपेमेंट करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नो सैलरी स्लिप और इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड, मतलब कि यहाँ पे नो सैलरी स्लिप, ठीक है, इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड मतलब कुछ भी नहीं देना है आपको, इनकम प्रूफ नो सैलरी स्लिप कुछ भी नहीं देना है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे लोन एलिजिबिलिटी की बात करें, 21 साल से कम की एज ना हो, आप इंडिया के होने चाहिए, मंथली इनकम कोई ना कोई होनी चाहिए, मतलब कि नॉर्मली पूछा जा रहा है, कोई आपको उसका प्रूफ नहीं देना है। और यहाँ पे देखिए बात करें डॉक्यूमेंट की, सेल्फी पैन और आधार साफ साफ अबाउट ऐप में दिया हुआ है। तो अब आपके आधार पैन कार्ड लगाने के बाद कितना लोन का ऑफर निकल के आता है ये कंपनी जाने, NBFC जाने, जो भी है, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम 50,000 तक का लोन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आप ले सकते हैं। ठीक है, तो एक पहली ऐप ये हो गई, अब चलिए चलते हैं दूसरी ऐप जो आपको आधार कार्ड पैन कार्ड पे लोन प्रोवाइड कर देगी। भाई देखो अब जो दूसरी ऐप है, देखिए ये जो ऐप वगैरह दिखा रहा हूँ उनको अपडेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रांच पर्सनल लोन ऐप, ये भी आपको जो है आधार कार्ड पैन कार्ड पे लोन प्रोवाइड कर देगी लगभग 2 लाख रुपए तक का, लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है, क्या है, 4.5 की रेटिंग है पहले ये देख लीजिए और यहाँ पे 10 मिलियन डाउनलोड है। यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या है कि 500 रुपए मिनिमम और मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन भाई ये है कि अगर पहले आपको 500 रुपए का लोन मिलता है, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, 500 रुपए चुका दीजिए, फिर 1500 का मिलेगा, 1500 चुका देंगे फिर 5000 का मिलेगा, ऐसे जैसे जैसे आप रिपेमेंट करते रहोगे वैसे वैसे यहाँ पे जो है लोन का ऑफर लोन अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि भाई देखिए अगर आप 20,000 का लोन लेते हैं 3 महीने के लिए आपको टोटल रिपेमेंट करना होगा 21,510 रुपया, 18,940 रुपया आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो उसकी NBFC के नाम वगैरह देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे भी आपको आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पे लोन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। एक बार ऐप को ओपन करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा अपडेट कर लेता हूँ, अपडेट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पे आपको लोन के ऑफर देखने वाले हैं। मुझे यहाँ पे मैक्सिमम 2500 तक का लोन दिखाया जा रहा है मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड पे, अभी इंस्टॉल हो चुकी है, यहाँ पे उसको ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद दोस्तों देखिए यहां पे क्या करना होगा, यहां पे मैं पासवर्ड डाल देता हूं, पासवर्ड कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे इन्होंने लगा दिया है, ठीक है ना, ये कंपनी वालों की तरफ से है। तो देखिए इस तरह से ये ओपन होगी, इस तरह से यहां पे देखिए क्रिएटिंग द बेस्ट लोन ऑफर भी लिख के आ रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या ऑफर निकल के आता है यहां पे हमें। देखिए यहां पे मैंने क्या कहा था, मुझे मैक्सिमम 2500 रुपए का लोन मिल सकता है अगर मैं लेना चाहूं, ले सकता हूं, और मिनिमम 500 रुपए का, ठीक है, 500 रुपए का मैं ले सकता हूं। ठीक है, अब यहां पे देखिए अगर मैं 2500 का लेकर चुका देता हूं तो मुझे यहां पे लोन अमाउंट बढ़ जाएगा, मुझे लेना नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूं 2500 का है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहां पे टर्नर टाइम देख सकते हैं, यहां पे मुझे 31 दिन और 62 दिन दो टर्नर टाइम में दिखाया जा रहा है, मैं कोई सी सिलेक्ट करके यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करता हूँ, फिलहाल मुझे लेना नहीं है, मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया। इस तरह से आप आधार कार्ड पैन कार्ड से जो है ब्रांच से लोन ले सकते हैं। अब चलिए चलते हैं तीसरी ऐप पे, भाई देखो हमारी जो तीसरी ऐप है उसका नाम है ट्रू बैलेंस UPI पर्सनल लोन, 50 मिनट डाउनलोड से 4.4 की रेटिंग है। इसके बारे में मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, बहुत ध्यान से, इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया भी है, बहुत से लोग लेते हैं मेरे लिंक से,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आधार कार्ड पैन कार्ड लगा के 15,000-20,000 रुपए तक का लोन घर बैठे ले सकते हैं। मैं आपको एक बार सीधे ऐप ओपन करके दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से ऐप ओपन होगी। यहाँ पे भी थोड़ा सा जो है पिन वगैरह डालना पड़ रहा है, ये पता नहीं क्या कंपनियों ने कर दिया है। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर 5,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक का लोन मिल जाएगा, इसमें इनकम प्रूफ देना होगा। नीचे लेवल अप लोन है, यहाँ पे 15,000 तक का लोन मुझे मिल जाएगा सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड लगाने पर। अब मैं नौ पे क्लिक करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड लगाने के बाद मुझे देखिए 8,230 रुपए का लोन ऑलरेडी मिल रहा है, दिखाया जा रहा है। मैं खटाक से गेट दिस लोन पे क्लिक करके अपने अकाउंट में पैसा ले सकता हूँ, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड मिल रहा है, कोई इनकम प्रूफ मुझे नहीं देना। अगर इनकम प्रूफ भी लेना चाहते हो तो आप ऊपर वाले अपना नौ पे क्लिक करके आप लोन ले सकते हैं मोटा सा, ठीक है, 50,000-1,00,000 का ले सकते हैं। तो ये तीसरी ऐप है जहाँ पे आप आधार कार्ड पैन कार्ड लगा के लोन ले सकते हैं मोटा समझ लीजिए। मैं इसमें ऐप में जाके जो जानकारी दूंगा वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। और बात करें इसकी एनबीएफसी की, देखिए यहाँ पे एनबीएफसी इसकी अच्छी खासी एनबीएफसी है। देखिए यहाँ पे एनबीएफसी की बात करें टू क्रेडिट्स, ठीक है, उसके बाद देखिए ग्रो मनी, पर यहाँ पे देखिए और मैं आपको दिखाया था इनक्रेड, और यहाँ पे देखिए बात करें मुथूट फाइनेंस, और उसके अलावा देखिए यहाँ पे विवर्ती कैपिटल, और थोड़ा सा और नीचे आएंगे देखिए नॉर्थन के अलावा देखिए लैंडवर्क्स के अलावा यहाँ पे देखिए ओयो फाइनेंस सर्विसेज, और देखिए यहाँ पे देखिए इसकी करीब देखिए कितनी 9 एनबीएफसी है, तो कुछ तो बात होगी ना इसमें। तो यहाँ से भी आप लोन ले सकते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड में। अब चलिए चलते हैं चौथी ऐप पे। अब दोस्तों जो चौथी ऐप है उसका नाम है रिंग क्विक लोन एंड यूपीआई पेमेंट। आप यहाँ से यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो और यहाँ से आप लोन भी ले सकते हैं। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ, डायरेक्टली ऐप के अंदर ही सब कुछ समझ में आएगा, ऐप और ऐप खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर हम इसमें देखें तो इसके जो है 4.1 की रेटिंग है, 10 मिलियन डाउनलोड्स है, कुछ तो वजह होगी। यहाँ से भी आप लोन ले सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, समय से चुका दिएगा वरना इसके एजेंट परेशान कर सकते हैं। मैक्सिमम 2,00,000 रुपए तक का लोन ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है मैक्सिमम। अब यहाँ पे मुझे कितना लोन का ऑफर निकल के आ रहा है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड ऑलरेडी लगा हुआ है, होल्ड ऑन है, यहाँ पे लोन का ऑफर निकल के आने वाला है। कितना लोन का ऑफर निकल के आएगा आप ही के सामने है, 15,000-10,000-25,000 कितना भी आ सकता है, लेकिन आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पे मिलेगा, कोई भी इनकम प्रूफ आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे 15,000 का लोन, देखिए साफ साफ लिख के आ रहा है 15,000 तक का लोन आपको मिल जाएगा, 13,938 रुपए आपके अकाउंट में आएगा, 3 महीने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे ड्यू रिपेमेंट शेड्यूल पे क्लिक करके यहाँ पे 3 महीने का पूरा शेड्यूल चेक कर सकते हो कि मंथली ईएमआई कितनी है, किस तारीख पे कितना देना है, ठीक है। तो एक लोन ऐप ये भी है, थोड़ा सा ध्यान रखना, लोन ऐप लें तो समय से चुका दें, वरना इनके एजेंट घर पे आते हैं और आपसे बदतमीजी कर सकते हैं अगर समय से नहीं चुकाते हैं तो, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये चौथी ऐप भी आपकी काम की हो सकती है अगर आपको जरूरत है तो। अब आखिरी और पांचवी ऐप चलता हूं जो आपको ओनली आधार कार्ड पैन कार्ड पे लोन प्रोवाइड कर देगी। भाई साहब जो पांचवी ऐप है ना बहुत ही पॉपुलर है, अपने आप में रेटिंग के वास्ते नंबर 1 में है, मनी व्यू लोन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे देखिए आप 4.8 की रेटिंग है पूरे प्ले स्टोर पे, ऐप के मामले लोन ऐप के मामले में नंबर 1 पे है, वो भी रेटिंग में, ठीक है 50 मिलियन डाउनलोड्स है। अब ऐप में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, मिनिमम 5,000 मैक्सिमम 10,00,000 रुपए तक का लोन सकते हैं, यहाँ पे आपका इतना सिविल होना चाहिए, ये है वो, मैं आपको क्लिक कर दूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको लोन तो मिलेगा लेकिन आपको इनकम प्रूफ देना बहुत जरूरी है, चाहे आप सैलरीड हो या एम्प्लॉयड हो, ठीक है। लेकिन आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर भी लोन मिल जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैं अपना दिखा देता हूँ, ओपन कर रहा हूँ आपको, आधार कार्ड पैन कार्ड आप लगाएंगे, उससे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर से लॉगिन वगैरह कर लीजिएगा, सेलेक्ट प्लान पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए 5,000 रुपए मुझे ऑलरेडी दिखाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन लिख के भी आ रहा है, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पे मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई इनकम प्रूफ लगा दिया है। और यहाँ पे 3 महीने के लिए मुझे ये लोन दिया जा रहा है और 342 की प्रोसेसिंग फीस है और 100 रुपए करीब लगभग इंटरेस्ट लगेगा, तो 300 रुपए और जोड़ लीजिए क्योंकि 3 महीने का टेन्योर है, तो 600-650 की पूरी कॉस्ट लग रही है 5,000 के लोन की, 3 महीने पूरे मिल रहे हैं, यूज कर सकता हूँ आराम से सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पे। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ट्रू बैलेंस का भी दिया हुआ है, आप चाहे इन दोनों ऐप से लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मुझे ये बताना था कि आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पे अगर लोन लेना चाहते हैं तो आप घर बैठे ले सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की इधर-उधर जरूरत नहीं है, इनकम प्रूफ आपको नहीं देना है, ठीक है। अगर आप देखिए मैंडेटरी नहीं है, अगर ऑप्शन आ रहा है आप लगा देंगे तो बेनिफिट आप ही का है कि आपको लोन जो ऑफर है आपको ज्यादा मिल सकता है, ज्यादा मतलब लोन का ऑफर देखने को मिलेगा, ज्यादा लोन अमाउंट आप ले सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, आपको पूरी बात समझ में आ गई होंगी। तो ये वो 5 ऐप है जो आपको घर बैठे ओनली आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पे लोन प्रोवाइड कर देंगे बिना किसी इनकम प्रूफ के। तो अब इसी के साथ चलता हूं, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।